Learners, welcome back to my YouTube channel. Here I come with the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. And this is the fourth video from this chapter. I have already uploaded three videos from this chapter. To understand the whole concept and the whole story, first you watch those videos. In those videos, we talked about the nationalism, effects of nationalism, entry of Napoleon, Civil Code of 1804, drawback of Civil Code, European society, liberal nationalism, Jules Verne, and conservatism, defeat of Napoleon, Treaty of Vienna 1815, revolutionaries, and the Giuseppe Mazzini, who considered the most dangerous enemy of our social order. Actually, Giuseppe Mazzini ke bare mein Metternich ne kaha tha ki wo hamari social order ke liye sabse khatarnak hai. And our today's topic is the age of revolutions. During 1830 to 1848, as conservative regimes tried to consolidate their power, nationalism and liberalism ko revolution se associate kiya jane laga. Matlab, jaise jaise jo rudivadi vyavasthaen thi, yani conservative regimes the, ne apni shakti ko badhane ka prayash kiya, to Europe ke bahut se kshetron mein उदारवाद यानी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को रिवॉल्यूशन से एसोसिएट किया जाने लगा. जर्मन एंड इटालियन स्टेट, प्रोविनेंसेज ऑफ ऑटोमन एम्पायर, पोलैंड, आयरलैंड, ये सब कुछ ऐसे ही एरियाज थे. और इन दीज एरियाज द रिवॉल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल like professors, school teachers, clerks, and member of commercial field. Actually, first revolution France mein July 1830 mein hua tha, jise July revolution ke naam se jana jata hai. Is revolution mein Bourbon king ko, Bourbon dynasty yaad hai na aapko, Louis 16 उसको ओवरथ्रो कर दिया था लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने और सेंटेंस टू डेथ पनिशमेंट दी थी. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया जिसके हेड लुई फिलिप थे. वंस मैटरनिक सेड अबाउट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड. मतलब जैसे आपके फैमिली में यदि किसी पर्सन को जुकाम हो जाता है तो वो धीरे धीरे पूरी फैमिली को हो जाता है, ऐसे ही यदि फ्रांस में कोई इवेंट होता है तो धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में फैल जाता है. हम यहाँ बात कर रहे हैं जुलाई रेवोल्यूशन की. जुलाई रेवोल्यूशन की जो स्पार्क थी, जो चिंगारी थी, वो ब्रुसेल्स में भी फैल गई. वहाँ पर भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए और जिसका रिजल्ट बेल्जियम सेपरेट हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, यानी बेल्जियम ने खुद को फ्री अनाउंस कर दिया. ऐसा ही कुछ ग्रीक रेवोल्यूशंस में भी हुआ. ग्रीक इन 15th सेंचुरी वाज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. जैसे जैसे यूरोप में नेशनलिज्म जो रिवॉल्यूशन था वो फैल रहा था, स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी इंडिपेंडेंस के लिए, तो ग्रीक ने भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया 1821 में. और इस ग्रीक के रिवॉल्यूशन को बहुत सारी वेस्ट यूरोपियन नेशंस ने सपोर्ट किया. आर्टिस्ट एंड पोइट्स ऑफ ग्रीक लोडेड ग्रीक्स एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. क्रैडल मीन्स पालना. आर्टिस्ट और पोइट्स ने
ग्रीक को एक ऐसे कंट्री के रूप में प्रेजेंट किया यूरोप के सामने कि सारी जितनी भी सिविलाइजेशन है, जितनी भी यूरोपियन सभ्यता है, वो सब ग्रीक के पालने में ही पलकर बड़ी हुई हैं। और रिजल्ट ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन अनाउंस कर दिया। इट इज़ नॉट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस दैट द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म केम अबाउट। केवल अपनी टेरिटरी को एक्सपेंशन देने से, उसको बढ़ाने से या लगातार वॉर करने से, रैबल करने से ही केवल नेशनलिज्म की फीलिंग को अराउज नहीं किया जा सकता। एक और भी मूवमेंट था जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया, एंड दैट इज रोमांटिसिज्म। यहाँ रोमांटिसिज्म का मतलब वो लवर्स वाला रोमांटिक नहीं है। हियर रोमांटिसिज्म रेफर्स टू अ मूवमेंट इन आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और रोमांटिसिज्म को 5 I से डिनोट किया जाता है, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, आइडियलिज्म, इंस्पायरेशन एंड इंडिविजुअलिटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। एक्चुअली जो कल्चर होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नेशन की, नेशनलिज्म की फीलिंग को अराउज करने में। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज और म्यूजिक ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और नेशनलिस्ट फीलिंग को एक शेप दी। रोमांटिक्स ने क्रिटिसाइज किया साइंस और रीज़न को, यहाँ रीज़न तर्क करने से मतलब है। उन्होंने इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स को फोकस किया और इस मूवमेंट को लेड किया उस समय के जर्मन फिलासफर जॉन गॉटफ्राइड ने, जिनका मानना ये था कि फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस और लोकल लैंग्वेजेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं नेशनलिज्म की फीलिंग अराउज करने में। उन्होंने इन सब को कलेक्ट किया और रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि ये सब नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बट ऐसा क्यों? एक्चुअली इस सब के पीछे एक ही बेसिक आइडिया था कि जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या पैम्पलेट्स हम केवल एजुकेटेड लोगों तक पहुंचा सकते थे, बट जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है, वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस, फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री और फोक डांसेस से ही उन आइडियाज़ को, नेशनलिज्म के आइडियाज़ को उन तक पहुंचाया जा सकता था। इसलिए इनको फोकस किया गया और जिसके कारण पर्सिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और पोलिश लैंग्वेज को उनके स्कूल से आउट कर दिया और वहाँ पर रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी। हालांकि जो पोलिश आर्मी थी उन्होंने रैबल किया 1831 में, लेकिन इन तीनों ने उस रैबल को रिप्रेस कर दिया, दबा दिया। फिर पोलैंड ने लैंग्वेज को ही अपना वेपन बनाया था। जितने भी चर्चेस थे उनके अंदर प्रेस्ट, बिशप्स अपना जो भी लेक्चर देते थे वो अपनी पोलिश लैंग्वेज में देते थे, जिससे रशिया बहुत गुस्सा हो गया। उसने उन सभी प्रेस्ट और बिशप्स को साइबेरिया की एक जेल में भेज दिया ताकि पोलिश लैंग्वेज को इंक्रीज ना कर पाएं, उसे स्प्रेड ना कर पाएं। ये बेस्ट एग्जांपल्स था कि जो लैंग्वेज है वो कैसे एक वेपन बन सकती है अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए। बट इन सभी के बीच एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और वो थी हंगर हार्डशिप।
एक्चुअली उस समय यूरोप में 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में सडन इंक्रीजमेंट हो गया, और पॉपुलेशन के इंक्रीज हो जाने से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। बहुत सारे लोग रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए गांव से शहर आने लगे, जिससे जो सिटीज़ में स्लम्स थी वो ओवर क्राउडेड हो गई, और मशीन मेड गुड्स जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स के, उन्हें बहुत ही हार्श कंपटीशन फेस करना पड़ता था फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस्ड इन इंग्लैंड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोडक्शन वॉज कैरीड आउट फ्रॉम होम और स्मॉल वर्कशॉप्स, सो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एरिस्टोक्रेसी रूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूडल ड्यूज का बर्डन हो गया, उनकी हार्वेस्ट खराब हो गई, जिससे फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए, और विलेजेस में पॉवर्टी आ गई। एक्चुअली ऐसा ही 1845 में सिलेशिया में बुनकरों के साथ हुआ था। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, और क्योंकि उनकी जो वेजेस थे उनको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया था। 4 जून 1845 में वो अपने घरों से बाहर निकले, और पेयर्स में उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के महल तक मार्च करना स्टार्ट कर दिया। उनकी डिमांड थी कि उनके वेजेस बढ़ाए जाएं। उन्हें बहुत सारी थ्रेटन किया गया, बहुत डराया धमकाया, बट वो पीछे नहीं हटे, और रिजल्ट हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन 24 आवर्स के बाद वो आर्मी के साथ वापस आता है, और वहाँ रेवोल्यूशनरीज़ को, जो वीवर्स थे, 11 वीवर्स को एट ए टाइम गोली मार दी जाती है। ऐसे ही कुछ सिचुएशन 1848 में हुई थी, जिसकी वजह से फूड स्कार्सिटी यानी कि खाने की कमी हो गई, और चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जिससे पेरिस की पॉपुलेशन रोड्स पर आ गई। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप हैड टू फ्ली, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक नेशनल असेंबली ने अनाउंस कर दिया फ्रांस को एक रिपब्लिक, और उन्हें राइट टू वोट दिया। जितने भी 21 इयर्स की मेल पॉपुलेशन थी उन सबको राइट टू वोट दिया गया। उसके साथ साथ उन्हें राइट टू वर्क भी दिया गया। नेशनल वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश की गई ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। एक्चुअली ये लिबरल्स का रेवोल्यूशन था जो 1848 में हुआ था। ये रेवोल्यूशन पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स ने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में किया था, जिसे लैंड किया था वहाँ के मिडिल क्लास पीपल ने, जो एक नेशन स्टेट का आइडिया इस्टेब्लिश करना चाहते थे। नेशन स्टेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, ये पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहते थे। फरवरी 1848 में मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, और वहाँ पर रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन अनाउंस्ड। 18 मई 1848 को सेंट पॉल चर्च के अंदर फ्रेडरिक विलहम फोर्थ, जो किंग के पर्सिया थे, उन्हें सम्राट बनाने की पेशकश हुई, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और मनार्क को ये रियलाइज़ हो गया कि ये जो साइकिल है रिवॉल्यूशन का और रिप्रेशन का, ये केवल तभी ख़त्म हो सकता है जब इन
लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के आइडियाज को मान लिया जाए। जर्मन रीजन के अंदर जो लिबरल्स थे वो केवल पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स की डिमांड कर रहे थे, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात प्रेस की भी फ्रीडम होनी चाहिए। बहुत सारे जर्मन रीजन्स में पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी और वो सब फ्रैंकफर्ट की सिटी में इकट्ठे हुए और उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया। 831 मेंबर्स इलेक्ट हो गए। अब पार्लियामेंट मिडिल क्लास पीपल्स से डोमिनेट की जाने लगी, बट इन्होंने जो वर्कर्स और आर्टिसंस जो इनके सपोर्ट में थे और जिसके सपोर्ट की वजह से ही ये डोमिनेशन में आए थे, उन्होंने इनके यानी वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड्स को का ओपोज किया, उन्हें मानने से इनकार किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि वर्कर्स और आर्टिसंस ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जिसकी वजह से असेंबली को भंग कर दिया गया। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। थैंक यू।